योर गवर्नमेंट यू इंटरफियर विद द स्टूडेंट और इन योर विद द चिल्ड्रन इन योर हाउस व्हेन यू आर नॉट श्योर कि ये सही काम कर रहा है. एज एजुकेटर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ गवर्नमेंट हैज टू कम इनसाइड एंड ट्राई टू मेक रूल्स एंड वी आर ओनली फॉलोइंग रूल्स देन समवेयर ब्रॉडली वी आर मिसिंग द डायरेक्शन. एंड यस, ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, बट सबको थोड़ा थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के लिए बदलना पड़ेगा, वरना ये प्रोफेशन बहुत जल्दी चैलेंज होगा. टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू मोस्ट टीचर्स एंड मोस्ट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस इज यूट्यूब, बिकॉज लेक्चरर्स लाइक योरसेल्फ्स आर टीचिंग ग्रेट ओवर देयर क्लासेस. कैन वी इमेजिन 12th स्टैंडर्ड में आजकल एक इंस्टीट्यूशन हैज बिकम अ प्लेस जो इंटीग्रेटेड क्लास ऑफर करती है. अमेजिंग राइट? All that you have is a certificate for education, and you have outsourced your education to a classes. अब आपका student आपके सिर्फ attendance देने आता है और जाता है classes में है पढ़ने के लिए, और इसको हम proudly, proudly बोलते हैं बाहर. Isn't that risking the question of the college itself? हम लोग जब students से बहुत पहले आज in 1999 I passed out. तो 95 टू 99 में हमारे यहाँ एक क्लासेस था जिसका नाम था विद्यालंकार क्लासेस. तो हम लोग जोक करते थे कि आधे से ज्यादा बच्चे तो विद्यालंकार क्लासेस में सीख रहे हैं, तो इसको कॉलेज क्यों नहीं बना देते. एंड इट एक्चुअली हैपेंड, वो कॉलेज बन गया. सो व्हाट वाज द लैक ऑफ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वाज दैट एजुकेशन वाज बीइंग डन नॉट विद द प्राइमरी कस्टमर इन माइंड. If you did it with the primary customer in mind, the teaching methods are not being followed as per design principles. Design principle yani thinking about the customer's journey, thinking about learning styles. And those could have been done better by improving and putting a mechanism of peer review, or you could have done more projects. So let's not wait for projects to come. Your method itself can be great.